हेलो मित्रों, चलो आगे हम कॉल के बारे में बात कर रहे हैं। तो आगे देखिए, कॉल मौज में आकर कुकू की आवाज लगाती है। हमने आगे वो इलाज पे हमारा वीडियो कंप्लीट करवा पाया। कॉयल आनंद माँ हो जाए आवाज करे जी, ये लाइन आगे के वीडियो में मैंने लिखा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसकी बोली मीठी और सुरीली होती है, मतलब तेरी बोली, बोली मतलब आवाज, समझ में आया। कैसी होती है? मीठी अने मधुर होय छे। चलो, वसंत ऋतु में कोयल भी, कोयल जी भरकर कूकती है। जी भरकर मतलब धराय धराय नहीं, कैसे? वसंत ऋतु मां मतलब वसंत मतलब चौमासा, धराय धराय नहीं पूजे छे मतलब बोले छे। वसंत ऋतु मां कोयल मतलब बोले छे, ठीक है। चौमासु शब्द इसके लिए है कि वसंत ऋतु का मतलब आती है तब सब बारिश आती है, सब पेड़ पौधे सब गिर जाते हैं। वसंत ऋतु मतलब चौमासु, जो हम लोग बोलते हैं डेली, ठीक है। वसंत ऋतु कम बोलते हैं, लेकिन मैंने इसमें चौमासु इसलिए लिखा कि आपको पता है वसंत ऋतु का मतलब चौमासु भी, चौमासु ठीक है, बारिश का मौसम, रेनी सीजन बारिश का मौसम, ठीक है। चलो, और वसंत ऋतु में भी हम उसके कूक सुन सकते हैं। वर्षा ऋतु मतलब चौमासामां, तो वर्षा ऋतुमां आपणे नी कूक मतलब देखो मैंने दोरी गया, चौमासामां पण आपणे तेनी आवाज, कूक का मतलब आवाज, वो कूकती है उसको यूज की आवाज तो सांभळी शकीए छीए। जहाँ वो आम के पेड़ होते हैं ठीक है, डरते होते तो वो तो बोलती रहती, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है, वसंत ऋतु आती है, तब वो भी वो बोलती है, तब भी हम लोग उसकी आवाज सुन सकते हैं। और उसकी आवाज टाइम ज़्यादा आती है क्योंकि वो में हो जाता है ना बारिश, वो एकदम वेदर चेंज हो जाता है, मतलब बारिश आने की शुरुआत होती है, तब एकदम मोर भी बोलते रहते हैं, कोयल भी बोलती है, तो जो होता है बोलते हैं ना एटमोसफेयर बहुत अच्छा बन जाता है उस टाइम पे, तो वो भी बहुत आनंद में आता है, तो वो भी उस टाइम भी वो बोलती है, तो उस टाइम पर भी हमें मतलब उसकी आवाज़ आती रहती है, ठीक है। और उसकी आवाज़ हम लोग सुन सकते हैं। आगे एक में सेंटेंस ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। उसके दो तीन नाम है भैया, कितने नाम है? दो तीन, ठीक है। तो कोयल का नाम मैं आपको लिखवा देती हूँ। कोयल को पिक, और कोकिला, कोकिला भी मधुर कंठ वाली, क्या? कोकिला का मतलब है जिसकी आवाज हम लोग सुनते हैं, कोकिला मतलब मधुर, जिसकी आवाज होती है उसको कोकिल कंठी, क्या बोलते हैं? कोकिल कंठी मतलब कोकिला, ठीक है। तो उसका देखो आगे उसका ट्रांसलेट, कोयल ने
કહેવાય છે, કહે છે, સમજને આયા? તો બહુ ચલેગા, ઠીક હે? લેકિન આપકો યે જો મેં આપકો ગુજરાતી મેં પૂરા પાઠ અપને કર દિયા હૈ, મેં આપકો લિખવા દિયા હૈ, ઉસકે સવાલ જવાબ હમારે બાકી હૈ, ઠીક હે? તો અબ હમ લોગ સવાલ જવાબ જો હૈ વો લિખેંગે, ઠીક હે? ફટાફટ અપના નોટબુક નિકાલીએ, ભેજા આપકો ઉસકે સવાલ કે ઉત્તર પ્રશ્ન ઉત્તર કરો કરને હૈ, ઠીક હે? चलो प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है? निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर। कभी कभी देखो बच्चों क्या होता है कि आप लोगों को है ना वो जो ऊपर हम लोग लिखते हैं सूचना बोलते हैं ऊपर वो भी वर्कशीट में आती है या मैं इधर लिखाती हूँ, तो आप एक बार पढ़ा करिए, ठीक है? पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई इसको देखो मैम ने इधर निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए वैसा सूचना दिए लिखा मतलब हेडिंग तो वो मतलब क्वेश्चन आंसर है, ठीक है? कभी कभी क्या हो जाता है कि आप हेडिंग नहीं पढ़ोगे तो विभक्षित में गलत लिख दोगे, रिक्त स्थान की पूर्ण नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ण दीजिए मतलब नीचे निकाल दिया पूरो, समझ में? वो हिंदी में होती है तो आपको उसका गुजराती समझ के नीचे देखना है। कभी कभी क्या होता है कि हमने बोला कि नीचे दिए गए वर्ण को गुजराती में लिखिए, जो वर्ण आपको दिए होते हैं उसका आपको गुजराती में बस लिखना, पूरा नाम नहीं लिखना है, बस उसको खाली ऊ दिया है हमने या तो फिर जिसको वर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्ण, वर्ण ये हिंदी में उसका जिसको वर्ण बोलते हैं तो ये वर्ण होते हैं स्वर, वर्ण मतलब स्वर, ठीक है? जो स्वर का हमने अ लिखा है तो उसका गुजराती में क्या होगा वो आपको करना है, तो गुजराती में यही करना है, नीचे दिए गए स्वर को गुजराती में लिखिए मतलब जो हिंदी में दिया उसको आपको गुजराती में ही लिखना है, समझ में? पूरा शब्द नहीं लिखना है, पहले वो हेडिंग पढ़ो फिर लिखो, कभी भी कुछ भी लिखने से पहले ऊपर का जो हमें सूचना देते हैं हेडिंग देते हैं वो पढ़ लेना चाहिए, ठीक है? कहीं कुछ उलट पुलट हो हमें पता चले तो ये तो मुझे खाली जगह दी गई मतलब हमें तो याद ही है फटाफट मैं लिख दूँ, नहीं पहले सुनो देखो पढ़ो सोचो लिखो, देखो पढ़ो सोचो लिखो, समझ में? देख के सोच के लिखना फिर इसको क्या करना है। चलो आप तो बहुत अच्छे हो पढ़ते पढ़ाई लिखे में सब आगे हो ना, हाँ वर्कशीट बहुत अच्छे से लिखना, जैसे आपको इधर से मिलती है वैसे की वैसे ही आपको वर्कशीट रिटर्न करनी है, मतलब बिना लिखे नहीं लिखे लेकिन नीट एंड क्लीन, हैंड राइटिंग पे को बहुत अच्छा होना चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वो जो आप भेजते हो तो पता चल रहा है कि हम वो क्या होता है कि आपका उधर मार्किंग हो जाती है ये बच्चा ऐसा होगा, समझ में? काम से ही इंसान की पहचान होती है, क्या जो काम आप करते हो उसके ऊपर वो काम दिखता है कि वो काम कैसा है उसके ऊपर आपकी पहचान है, भले हम आपको नहीं देख पा रहे लेकिन देखो कि वर्कशीट आएगी तो पता लगेगा ये बच्चा ऐसा है, थोड़ा हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं क्योंकि इतना अच्छा लिखा है, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा बच्चा होगा, बहुत अच्छा बच्चा होगा तभी इतना अच्छा लिखा, ठीक है? तो आपका मूल्यांकन हो जाता है, स्व मूल्यांकन होते हैं ना आपका, तो आपका तो स्व मतलब हमारा खुद का होता है लेकिन हम आपका मूल्यांकन लगा लेते हैं कि भाई इतना अच्छा लिख के भेजा मतलब अच्छा वाला बच्चा होगा, बहुत अच्छे से लिखता होगा, ठीक है? तो जब भी लिखो ध्यान से लिखो पढ़ के लिखो, ओके चलो आगे। तो हमें लिखना है प्रश्न के उत्तर, ठीक है? चलो हम लोग प्रश्न के उत्तर में जाएंगे, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखो बच्चों गुजराती में कोई चीज़ अलग होता है हिंदी में कोई चीज़ अलग होता है, उसका मतलब लैंग्वेज चेंज हो जाता है तो उसके मतलब मीनिंग भी बदल जाते हैं शब्द भी बदल जाते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिए लिखना, निम्नलिखित
देखो बच्चों, हम लोग पूरा कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसको वैसे ही लिखो। जब भी आप कोई ऐसे क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हो, मतलब सवाल के जवाब लिख रहे हो, तो देखो हमने क्या बोला, मिलना लिखी, वो हम लोग पूरा बोल गए तो उसको साथ में लिखो, उसको अलग मत करो। प्रश्नों के प्रश्नों उधर हम लोग रुक गए, तो सोचो कि प्रश्नों ऐसा लिखा रुके, मतलब उधर बीच में लाइन छोड़ना है, थोड़ी जगह छोड़नी है, ठीक है। के विद्या के प्रश्नों के, तो जहाँ जहाँ हम उठते उधर उधर लाइन छूटता है बीच में, मतलब थोड़ा स्पेस छूटता है, समझ में आया। जो शब्द पूरा बोल जाते हैं उसको आप पूरा लिखो, जो शब्द बोलने के बाद थोड़ा हम लोग को रुकना पड़ता है, निम्न लिखित खत्म हो गया, हम लोग रुक गए तो उसको पता, हमें पता चलना है कि उसके बाद में क्या करना है, थोड़ी स्पेस मतलब जगह छोड़नी है दूसरा शब्द लिखने के लिए, ठीक है। सब साथ में मत लिखा करो, एक ही लाइन सब पूछो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो। उत्तर लिखिए, जब भी कर रहे हो ध्यान रखना इसमें कुछ छूट जाता है, देखिए, ठीक है। तो आपको भी देखना है कि हम लोग प्रश्न लिख रहे हैं तो कैसे लिखना है, देखो इसका ही है, या पीछे लगा देना, मेरा ध्यान कुछ छूट गया, ठीक है। प्रश्न नंबर वन, रंग और आकार में रंग और आकार में कोयल है, रंग और आकार में कोयल कौवे से मिलती जुलती है,
ठीक है, तो कॉल के दो नाम स्पीकर और कोकिला है ना। चलो एक बार हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं और साथ में उत्तर भी। रंग और आकार में कॉयल किससे किससे मिलती जुलती है? तो रंग और आकार में कॉयल कौवे से मिलती जुलती है। समझ में आया? तो आपको भी वैसे लिख के ही पढ़ना है। चलो आगे। कौन सा पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है? तो आपको क्या लिखना है? आम का पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है ना। सबकी अलग अलग होती है ना, चॉइस होती है, पसंद होती है। तो कोयल को आम का पेड़ बहुत पसंद है क्योंकि देखो वो पक्षी है, तो वो माले में मतलब पेड़ पे रहते हैं। सब पक्षी होते हैं वो माले में रहते हैं। कोई मतलब जो दीवार के अंदर वो थोड़ी स्पेस होती है, जगह होती है, उसमें अपना मतलब घोंसला बनाते हैं। तो सब, लेकिन कॉल घोंसला बनाती नहीं, मैंने आगे की वीडियो में आपको बोला था ठीक है। वो माला कभी मतलब घोंसला बनाती ही नहीं है, वो कौवे के घोंसले में ही अंडे रखती है ठीक है। लेकिन सबकी अलग अलग चॉइस होती है, हमें भी अपना अलग अलग चॉइस होता है हमारा भी ठीक है। पहनना, खाना, रहना ठीक है, सब अलग। चलो तो प्रश्न तीसरा, कोयल की बोली कैसी होती है? तो कोयल की बोली मीठी और सुरीली होती है। मीठी मतलब अच्छी, जो सबको सुनना पसंद हो ठीक है ना। कोयल के दो और नाम बताओ। तो कोयल के दो नाम हमने लिखे हैं, कोयल के दो नाम पिक कोकिला है ना, तो उसके दो नाम। तो ठीक है बच्चों, आपको भी ये नाम लिखना है, प्रश्न वो नोटबुक में लिखना है क्योंकि वर्कशीट में शायद लिखने के लिए आए। मैंने देखो गुजराती भी करवा दिया, आपको प्रश्नों के उत्तर भी लिखवा दिया है ठीक है। तो आपको नोटबुक में लिखना है तो आप नोटबुक में लिख देना। तो क्या वर्कशीट में आए तो आप लिख सकते हो ठीक है। और वीडियो लिखना, देखना, और जब भी आप लिख रहे हो तो उसको पढ़ पढ़ के देखना, इसलिए आपको भी वो समझ में आ जाए कि भाई अब ये प्रश्न है उसका जवाब ये है, हमने वीडियो में लिखा था। जो आप नोट बनाते हो वीडियो की तो बहुत अच्छे, आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं क्योंकि वीडियो देखा, नोट लिखा है, नोट बनाया हुआ है, मतलब आपको सब पता है कि ये पार्ट है, इसका ये उत्तर आता है, ये सवाल है, ये जवाब है ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और वीडियो लिखना है, लिख देना बच्चों ठीक है। चलो ये आप देख लो, हमने वो वीडियो पढ़ा ना, ध्यान रखना ठीक है। उसके बाद हमने देखो ये शब्दार्थ भी लिखे बच्चों ठीक है।
ये जो शब्दार्थ मैंने लिखवाए हैं वो भी आप देखो, ये आएगा आपको शब्दार्थ आएगा, उसका गुजराती अर्थ आएगा, तो ही आप जो गुजराती कर पाओगे। ठीक है, आपको गुजराती बनाना आता है ना कि भाई चलो मैंने देखो वर्कशीट में आया कि भाई ये हिंदी का चार वाक्य दिया मैंने, मतलब दे दिए, तो उसकी आपको गुजराती नीचे लिखना है। लेकिन आप गुजराती कब लिखोगे कि कोई कोई ऐसे जो शब्दार्थ होंगे उसकी तुम्हें गुजराती आते होंगे आप लोगों को, तो ही आप नीचे वाक्य होते उसके गुजराती कर पाओगे। तो साथ में जो आप ये आते हैं ना शब्दार्थ उसको भी तैयार करते रहना। ठीक है, और बहुत ईजी है कुछ काम, मतलब कोई मतलब है कोई काम तो मतलब ऐसा नहीं कि हम नहीं कर पाते। ठीक है, सब काम कर सकते हैं, पढ़ना लिखना, ठीक है, और ज़्यादा मेहनत करना बच्चों। ठीक है, चलो बाय, हरिओम।